नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल रेड अलर्ट न्यूज में। आइए लेकर चलते हैं आपको आज की खबरों। खबर खुरई से, जहां खुरई विद्युत विभाग के कार्यपालन अभियंता के नेतृत्व में विद्युत जन जागरण रैली निकाली गई। रैली सुबह 11 बजे संभागीय कार्यालय खुरई से प्रारंभ होकर नगर के विभिन्न चौराहों से होते हुए 2 बजे वापस संभागीय कार्यालय में समाप्त हुई। कार्यपालन अभियंता मोहन सुल्लिया द्वारा विद्युत जन जागरण रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जन जागरण रैली का मुख्य उद्देश्य कोरोना काल में राजस्व वसूली न हो पाने के कारण मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। इस संबंध में सामान्य पूरी नगर के उपभोक्ताओं को विद्युत बिल समय पर जमा करने, विद्युत लाइनों से दूरी बनाए रखने एवं जितना उपयोग हो उतना ही उपयोग करने के साथ साथ वैध कनेक्शन लेकर ही विद्युत का उपयोग करने के लिए जागरूक किया गया एवं साथ ही अपील की गई कि उपयोग की गई बिजली का नियमित और समय पर भुगतान कर कंपनी की आर्थिक स्थिति करने में सुधार सहयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। रैली में मुख्य रूप से खुरई ग्रामीण सहायक अभियंता राहुल सिंह ठाकुर एवं शहर के सहायक अभियंता मुकेश मस्कोले एवं उनकी पूरी टीम उपस्थित रहे। मोटरसाइकिल रैली में लगभग 50 मोटरसाइकिलों एवं 4 पहिया वाहन भी शामिल थे। खुरई नगर के कई चौराहों पर खुरई के विद्युत उपभोक्ता द्वारा वाहन रैली के सदस्यों को पानी और चाय पिलाकर समय पर बिजली बिल जमा करने का आश्वासन दिया और विभाग द्वारा की गई शानदार पहल की सराहना करते हुए स्वागत भी किया। खुरई से करता यादव की रिपोर्ट।